the love for mother and motherland. वैसे भी जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनका मनुष्य होना बेकार है, बेकार ही है। माँ बाप मतलब भगवान, एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उनके अलावा दुनिया में जो भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसका स्वार्थ है, कोई भी अपवाद हो सकता है पर वो अपवाद ही होगा। लेकिन हमारी एक साइकोलॉजिकल आदत है कि जो लोग हमें ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं और बिना कारण करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। ये हमारी आदत है, ये भारतीयों की बहुत गंदी आदत है। अरे कहते हैं घर का ही तो है, अरे मम्मी ही तो है। एक दिन गांधी जी ने बड़ी अच्छी जीवनी लिखी, जीवनी की टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहने चाहिए। कभी एक दिन झूठ मूठ का नाटक ही कर दो कि पापा ने घर से भगा दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, अब मैं कहां जाऊं। फिर देखो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मां बाप यानी भगवान। और नेताजी अपने मां के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे। उन्हें कहानियां सुनाती थी, ऐतिहासिक महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, भारत के महानायक। मां से बड़ा जुड़ाव था। अब जानकीनाथ बसु पिताजी तो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने, रॉब मिले, पद मिले, सम्मान मिले। मान के मां प्रभावती दत्त दो लोगों से बड़ा स्नेह रहा उनको, एक अपने बड़े भाई से और एक अपनी मां से। स्नेह तो सबसे रहा लेकिन दो लोगों से बड़े प्रभावित रहे वो। और एक दिन शायद पिताजी माता जी को किसी बात पर कुछ बोल रहे थे कि तुमने लड़के को खराब कर दिया, तुमने लड़के का दिमाग खराब कर दिया। वो कहीं से सुन रहे थे तो उन्होंने बाद में अपनी माता जी से पूछा कि राय साहब नाराज हो रहे थे क्यों। अरे बोले राय साहब चाहते हैं कि तुम आईएएस आईसीएस बनो, सिविल सर्वेंट बनो। हाँ बोले बनेंगे, एकदम बनेंगे। लंदन की तरफ रवाना हुए, तैयारी शुरू की, एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब भी हुआ, एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब हो गया, 100 नंबर का पेपर, 4th रैंक आईआईसीएस में। उन्नीस सौ बीस 1920 4th रैंक। एक कहानी बड़ी प्रचलित है उनके इंटरव्यू को लेकर, बड़ी प्रचलित है। मैंने कई बार उस कहानी का उल्लेख भी किया है कि जब वो इंटरव्यू देने गए तो बोर्ड मेंबर ने कहा कि मिस्टर बोस यू आर कंफर्टेबल इन विच लैंग्वेज। बोले सर आप अपनी लैंग्वेज बताओ। तो बोर्ड मेंबर ने उनसे जर्मन में बात करना शुरू किया, उन्होंने जर्मन में रिप्लाई करना शुरू किया, दुनिया की कठिनतम भाषाओं में से है। तो फिर उसने पूछा कि वॉट इज इम्पॉसिबल फॉर बोस, बोस क्या नहीं कर सकते। बोले सब कुछ कर सकते हैं सर। तो ही टुक आउट हिज वेडिंग रिंग, सामने रख दिया, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पे एससी बोस लिया और निकाल दिया। नेपोलियन भी ऐसी ही बातें करता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। और ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज आपके व्यक्तित्व में पैदा होती हैं, ये कहीं से नहीं आती, ये आपके अंदर भी हैं।
एक होता है मन द्वारा संचालन, एक होता है विवेक, विजडम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बार बार साफ कहते हो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान से क्या पैदा होता है? ध्यान से विजडम पैदा होता है। और ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। और जितने लोग महान बने तो उसकी बड़ी भूमिका रही। मैंने वो स्त्रियों लड़कियों और घड़ी वाली कहानी आपको सुनाई थी विवेकानंद की, कि लड़कियों ने उनसे कहा घड़ी दे दो नहीं तो अभी हम पुलिस बुला देंगे। विजडम, विजडम अगर किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिया जाता तो फिर वही बात, अमीर हमेशा अमीर ही रहते, राजा हमेशा राजा ही रहता। ये जो विजडम है ना, विजडम ये ध्यान का परिणाम है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, विजडम विजडम नहीं दे सकते। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? विजडम। 1920 में चौथी रैंक, 1920 में, आज डीएम का इतना रुतबा है, आज सिविल सर्वेंट का इतना रुतबा है कि इस देश की आधा से ज्यादा आबादी आईएएस बनने के लिए मरी जा रही है। और मैं कहूं कि जिस दिन इस मुल्क में शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो जाएगी, लोगों का सिविल सेवा के प्रति रुझान कम हो जाएगा। 90% लोग सिविल सेवा में शक्ति और धन की वजह से जाना चाहते हैं। आज कौन सर्विस करने जाना चाह रहा है? और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि भारत का प्रेजेंट शैक्षिक स्तर बहुत लो है, क्योंकि जिसके अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है वो नौकर बनकर कभी खुश नहीं हो सकता। फोर्थ रैंक, फोर्थ इंपीरियल सिविल सर्विस 1921 में रिजाइन कर दिया, किसके लिए? मदरलैंड के लिए, पराक्रम। एक होती बहादुरी, एक होता पराक्रम। पहलवानों में भी बहादुरी है, पराक्रम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया गया त्याग, सबके बस की बात नहीं है। पराक्रम, बहादुरी मतलब शेर से लड़के उठा के पटक दिया शेर को, वो पराक्रम नहीं है। पराक्रम मतलब एक बहुत विशाल उद्देश्य के लिए किया गया त्याग। और आज भारत का युवा रो रहा है, न जाने कितने सुभाष चंद्र बोस इस देश में बैठे हुए हैं, उनको जरूरत किसकी है? शारीरिक और मानसिक ताकत की, जिससे उनके अंदर पराक्रम पैदा हो सके, जिससे वो बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग कर सके छोटी छोटी चीजों का। मां की भी इज्जत रखी, मातृभूमि की भी इज्जत रखी। नेशनल एजुकेशन का जो प्रोग्राम चलाया गांधी जी ने एनसीएम में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने सुभाष चंद्र बोस।